से करूंगा, भाई मैं अलग काम बता रहा हूँ। तो जो भी इंस्टाग्राम पे है जाओ और एक स्टोरी डालो बिल्कुल। कि आई प्लेज कि मैं अगला 14 डेज बाहर नहीं जाऊंगा, और अपने 3 फ्रेंड को टैग कर दो और साथ में मुझे भी अभी टैग रोक ले करना, भाई, एक थ्री बार फ्रेंड दोन बनने प्लस दे, वन। दोन बनने दे एक हम बार, लोग शायद नोवर ऐप साइड जा सकते हैं। बंदे यहाँ ये वाली ढूंढते हैं ब्रिज, भाई, ये सब वाली बैठ ब्रिज, जाओ भाई बैठ यहाँ जाओ, बैठे बैठे क्या ही करेंगे। 3 फ्रेंड को टैग करो, उनको रिपोस्ट करने बोलो और साथ में मुझे भी टैग करो एज अ प्रूफ कि आपने किया अभी जाके कि आई प्लेज कि मैं 14 डेज बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। और हर 14 डेज सुबह अपने फैमिली के साथ एक फोटो डालना कि सब लोग घर में छुपे हुए हो, और मुझे टैग कर देना, मैं रिपोस्ट करूंगा बहुत लोगों का। जाओ अभी मैं देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम सामने खोल के रखा हूँ कितने लोग मुझे मेंशन करते हैं, 2-2 हज़ार लोग देख रहे हैं, मैं अभी भी कुछ लोगों का रिपोस्ट करूंगा। और 3 अपने फ्रेंड को, रियल लाइफ फ्रेंड को टैग करना, और बाकी 1/4 मेरे को, ठीक है। और ये लिखना कि मैं नहीं जाऊंगा 14 दिन बाहर। अब भाई 14 डेज बाद बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो वो गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट ने बोला है अभी तक प्रमोशन अभी हटा दिए, अभी हटा दिया, अभी भाई देखो अभी तो ब्रो कैसे होना है, बोलो। योर एज, हाँ माई एज एज 24 एज भाई। 24 के लगते हैं नहीं हो हाँ मैं लगता तो 42 का हूँ भाई, उस अब उससे मेरी क्या गलती नहीं सही है एकदम। भाई सच बोले किधर जा रहे हैं तो हम लोग भाई, थोड़ा जोन के मिलिट्री के अंदर चलते हैं। चलो बिदा गया, लॉट ऑफ हिडन नंबर्स ऑफ केसेस, हिडन तो नहीं पता ऑफिशियल नंबर, बात है कि इंडिया में टेस्टिंग ही नहीं हो रही ना ब्रो। किधर जाने को है, किधर जाने को, गैस फटाफट जाओ भाई वो करो क्या आई वोंट बी लीविंग, और को भाई डाल सच्ची रहा में हूँ। बात करना, और हर दिन एक एक अपने घर वालों के साथ, तो आप लोग जब आइसोलेटेड हो आराम से क्वारंटाइन में हो मस्त सेल्फ क्वारंटाइन, तो फोटो वोटो डालो अच्छे अच्छे फोटोज, क्या पता लड़कियां भी पट जाए, और अभी पटाने का भी बहुत अच्छा टाइम है, आराम से घर में बैठ के टिंडर विंडर डाउनलोड करो। ये 14 दिन का बात है कहाँ गाइस, फोर्टीन डेज दैट्स इट, 14 डेज में चले जाएगा ये कंफर्म है, क्या पता भाई पड़ गया पॉइंट और इसको केसेस रोकना, तो तो केसेस तो भड़े ही होंगे वो तो कोई डाउट ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो भड़े ही होंगे ना, पर रोकना है भाई बड़े। ये डिजीज इतना झोरा नहीं है जितना इसका स्प्रेड है, इसका सबसे खतरनाक चीज है फैलता बहुत जल्दी है, रोका तो जा सकता ही है ब्रो, क्योर तो होता ही है, पर पॉइंट इज अगर भाई इंडिया में कैपेसिटी 10,000 ICU की है और वहां पे 1 लाख ICU पेशेंट आ जाएंगे तो मरेंगे लोग, वही तो दिक्कत है। इटली में थोड़ी, इटली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश से लाख गुना बेटर है, लाख गुना, लेकिन देख लो भाई इतना ICU कैसे जगह, उतना ICU वहाँ पे है ही नहीं, क्योर तो हो रहे हैं लोग, चाइना में देख लो कितने लोग क्योर हो गए, 71,000 क्योर हो गए। I got supplies. मामा थर पे मारू स्कोप को।